गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डूइंग क्लास इन सब्जेक्ट के अंदर लेसन नंबर 7। लेसन नंबर 7 है हु विल प्ले विद मी। हु विल प्ले विद मी, हु का मतलब है कौन, विल प्ले यानी खेलेगा, विद मी यानी मेरे साथ। हु विल प्ले विद मी यानी मेरे साथ कौन खेलेगा। पार्ट की मीनिंग कल निकाली थी इसलिए आपने मीनिंग याद की होगी। अब आज पार्ट को स्टार्ट करते हैं। दिस इज ए स्टोरी अबाउट ए बॉय। दिस इज ए स्टोरी अबाउट ए बॉय यानी यह है कहानी एक लड़के के बारे में है। यह है कहानी एक लड़के के बारे में है। हु डज नॉट लाइक टू स्टडी एट ऑल। हु डज नॉट लाइक टू स्टडी एट ऑल, जो अध्ययन करना पसंद नहीं करता है। यानी यह कहानी एक ऐसे लड़के के बारे में है जो अध्ययन करना पसंद नहीं करता है, अर्थात पढ़ना पसंद नहीं करता है। One day he meets some creature. One day, एक दिन he meets यानी मिला, some creatures का मतलब कुछ प्राणियों से। एक दिन वह कुछ प्राणियों से अर्थात कुछ जीवों से मिलता है। and then he changes मतलब बदल जाता है। एक दिन वह कुछ प्राणियों से मिलता है। एंड देन ही चेंजेज, और वह अपने आप में बदल जाता है, अपने आप में परिवर्तन कर लेता है। वाई डज ही चेंज हिमसेल्फ यानी वह अपने आप में क्यों बदलता है, अपने आप में वह क्यों बदलता है। लेट अस फाइंड आउट चलो हम इसका पता लगाते हैं। लेट अस फाइंड आउट चलो हम इसका पता लगाते हैं कि वह अपने आप में क्यों बदल जाता है। दिस इज रोहित, यह रोहित है यानी वह लड़का कौन था, वह लड़का था रोहित जो अध्ययन करना पसंद नहीं करता था। दिस इज रोहित, यह रोहित है। ही डज नॉट लाइक हिज स्टडीज, वह अपना अध्ययन पसंद नहीं करता है। वह अध्ययन करना पसंद नहीं करता है अर्थात नहीं पढ़ना चाहता है। ऑल ऑफ हिज फ्रेंड्स गो टू स्कूल डेली। ऑल ऑफ हिज फ्रेंड यानी उसके सारे मित्र गो टू स्कूल डेली, रोजाना स्कूल जाते हैं। उसके सारे मित्र रोजाना स्कूल जाते हैं अर्थात रोहित के सारे मित्र रोजाना स्कूल जाते हैं। बट ही डज नॉट गो देयर लेकिन वह स्कूल में नहीं जाता है। यानी उसके सारे मित्र स्कूल जाते हैं लेकिन वह स्कूल में नहीं जाता है। ही वांडर्स हियर एंड देयर। वांडर्स का मतलब इधर उधर घूमना, इधर उधर भटकना। ही वांडर्स हियर एंड देयर, वह इधर उधर या यहाँ वहाँ घूमता रहता है, भटकता रहता है। वन डे ही गोज़ टू द गार्डन वह बगीचे में जाता है। नियर हिज होम जो उसके घर के पास ही है। एक दिन वह अपने घर के पास एक बगीचे में जाता है। ही फाइंड्स नो अदर चिल्ड्रन इन द गार्डन टू प्ले विथ। ही फाइंड्स यानी वह देखता है नो अदर चिल्ड्रन इन द गार्डन, बगीचे के अंदर और कोई भी बच्चे नहीं है। टू प्ले विथ जो उसके साथ खेल सके। यानी वह एक दिन वह अपने घर के बगीचे में जाता है और वहाँ पर देखता है कि उसके साथ खेलने के लिए कोई भी बच्चा नहीं है। ही फाइंड्स वह देखता है नो अदर चिल्ड्रन, कोई भी दूसरे बच्चे नहीं थे इन द गार्डन यानी बगीचे में। टू प्ले विथ जो उसके साथ खेल सके अर्थात बगीचे के अंदर केवल रोहित ही था, रोहित के अलावा सारे बच्चे स्कूल जाते थे इसलिए वहाँ बगीचे के अंदर कोई दूसरा बच्चा नहीं था जिससे कि वह उनके साथ खेल सके,
इसलिए वह रोहित अपने आप में बदल जाता है और फिर वह रोजाना स्कूल में जाने लग जाता है। आगे कल पढ़ाएंगे।